लेकिन यह है कि राज्य के जब चुनाव होते हैं इसलिए कह रहा हूं तो राज्य से संबंधित जो कुछ मुद्दे होते हैं दो साल के अंदर 6 चुनाव हुए स्टेट असेंबली में, आप 4 हार गए उसमें 5 हार गए लगभग। हाँ लेकिन इस समय तो देश को पूरे देश को मिलाकर देखिए तो लोकसभा चुनाव होगा शायद मोदी जी दोबारा से जीत करके आए, अधिकांश राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार अथवा एनडीए की कम होगी ना, पहले से 16 में थी अब 12 में रहेगी 13 में रहेगी, अब कम होते जाते हैं स्टेट पार्टी में। स्टेट लेवल पे आपके नेता बड़े बड़े अब दिखाई नहीं देते, बीजेपी बड़ी हो गई पर नेता नहीं बड़े हुए। चिंता मत करिए प्रभु जी, आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी, सारी चिंताओं का समाधान होगा। आप सबसे बड़ी पार्टी है, 16 करोड़ मेंबर हैं आपके सबके सदस्य में, बिहार में आपके सबसे वोट आपको उससे भी आधे पड़े जितने आपके मेंबर हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नई भारतीय जनता पार्टी है जिसमें ज्यादा वोट का जहां तक देखते हैं ना, जैसे कि वोटिंग का परसेंटेज सामान्यतः क्या होता है 50%। आप क्योंकि अध्यक्ष 3 बार अध्यक्ष आप पहले व्यक्ति है जो 3 बार अटल जी पहले जनसंघ में रहेंगे अडवाणी जी रहेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 3 बार आप ही बने और तो कोई बना नहीं, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के बेसिस बोला जो आज की भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी अमित शाह जी ने अपने मेंबरशिप करके बना दी, उस पार्टी के अंदर मिडिल लेवल स्टेट लेवल पे क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप सरकार जाए तो तोड़ के बना देते हैं। अभी तो 5-6 साल के लगभग हुए हैं, आप देखेंगे आप 2-3 साल में आपको दिखाई देने लगेंगे सब सारे कद्दावर नेता राज्यों में जो राज्य शेष बचे हैं, कई राज्यों में हमारे कद्दावर नेता हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं एक बात जो आपसे आप अध्यक्ष रहे हैं जो पूछना चाहता हूं आपसे कि आपकी अध्यक्षता में 2 प्रधानमंत्री आए चुनाव हुए, आपने अडवाणी जी को पहले अनाउंस किया, उसके बाद मोदी जी को भी आपने अनाउंस किया। अडवाणी जी के मैं इसलिए कह रहा कि पार्टी के अंदर अध्यक्ष आम जनता आम वर्कर जो था उस वक्त था मिडिल लेवल, उनको लगता था कि अडवाणी जी नहीं बन सकते, उम्र के हिसाब से भी हैं एक्सपीरियंस भी है और वो नहीं बन। आपने अपनी पार्टी की जो विचारधारा जो जो आम ओपिनियन था उसके विरोध में जा करके अनाउंस कर दिया उनका नाम अटल जी का।